अगर किसी ने देख ले तो बोलेगा कि भाई की दोस्त का फायदा उठाता है, पीठ पीछे धोखा देता है, उसके साथ घूमता है। अरे हम उसको बोलेगा उसका साथ घूमना फिरना जायज है, जिससे आप शादी करना चाहते हो। आप दिलावर है ना जी? काफी चेंज हो गया है आप भी। तो वक्त सबको बदल देता है, आप भी तो काफी बड़ा हो गया है। वो हमको सुबह पेसल मिला था पास स्टाफ पे जाते हुए। स्टाफ पर? अरे इस तरह अच्छा नहीं लगता है स्टाफ पर, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, और तुम नादिर भाई को जानता तो है। दिलावर की शादी मादी करते अब काम पे भी जाने लगा है। लेकिन फुटबॉल खेलने तो अभी भी जाता है। शादी मादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, फुटबॉल को भूल जाएगा। ये लियारी का चौकरी लोग है ना, ये तेरे शहजादे को पसंद नहीं आएंगी। ढूंढना कहा, हमने देखी वे लड़की। क्योंकि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ मजीद और वक्त गुजारना चाहती हूँ, तो आपको क्या जल्दी है मुझे घर से भेजने की? का मतलब है तुम शादी नहीं करना चाहता? अभी हमने किया ही क्या है, हम यहाँ पे आके तुम्हारे साथ मजदूरी करता हूँ, अब्बा को लगता है हम कुछ कर रहा हूँ, और अम्मा सोचता है कि हमारा एक बार शादी हो जाएगा तो हम ये फुटबॉल सब भूल जाएगा, सिर्फ बच्चे पालेगा। हमारा अम्मा ने बिल्कुल सही तरीका निकाला तुमको बांधने का। हम ये बोल रहा है कि तुम दोनों का दोस्ती भी अच्छा है, भाइयों की तरह रहता है, तो रिश्ता घर में ही कर देते। घर में? घर में कौन सा रिश्ता? दिलावर का और तेरी बहन नौशीन का। हाँ चाचा बताओ क्या बोलना। अरे बच्चा हम दिलावर का शादी का सोच रहा हूँ, पता है हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, शरीफ है, नशा मशा भी नहीं करता है, बस एक फुटबॉल खेलता है, वो भी हमारा ख्याल है कि शादी के बाद छोड़ देगा। अरे छुड़वाना क्यों है? ठीक है तुमको इतराज नहीं है तो भले खेले। हम ये बोल रहा है कि तुम दोनों का दोस्ती भी अच्छा है, भाइयों की तरह रहता है, तो रिश्ता घर में ही कर दे। घर में? घर में कौन सा रिश्ता? इलावर का और तेरी बहन नौशीन का। चाचा तुमको दिलावर ने बोला ये? अरे नहीं नहीं उसको हम नहीं बताया, वो नहीं जानता कि हम तुमसे ये बात करने इधर आया। वो तो हमको बोल रहा था कि चाचा हमारा शादी कराना चाहता है। हमने शादी का बोला है उसको, लेकिन ये नहीं बताया कि किधर हमारा ख्याल है। चाचा हम सोचता है इस बारे में, रोशीन से मशवरा करके तुमको बताएगा। अरे तो मरद है, ऐसे फैसले तो मरद करते ना, तुम नौशीन से पूछेगा वो तुमको क्या बताएगी। अरे चाचा कैसी बातें कर रहा है, हमने उसको पढ़ाया है लिखाया है, उसको अपना जिंदगी पे आके है ना, उसको इख्तियार है कि वो अपना फैसला ले, ये तो बहुत जरूरी बात है। चलो ठीक है हम इंतजार करेगा। दिलावर तो हमको बोल रहा था कि चाचा को बोलो हमको शादी नहीं करना है। अरे दिलावर तो बच्चा है, उसको क्या पता है जिंदगी के बारे में, उसका दिमाग में तो बस फुटबॉल उछलता रहता है। सही कह रहा है। अच्छा चाय पिएगा तुम? चाचा मूड नहीं है, अभी काम पे भी जाना है, दो तीन काम हमारा फंसा हुआ है, हम चलते हैं।
अरुज बेटा, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? देखो टाइम क्या हो रहा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मुझे पता है कि ऐसा क्यों है। देखो बेटा, अब तुम यूनिवर्सिटी में जाती हो, तुम बच्ची नहीं हो, तुम अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझ सकती हो, और कुछ हद तक तो तुम खुद मुख्तार भी हो। और अगर इन हालात में तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कर लेने। पर मैं तो मना भी नहीं कर सकती। तो जरूरत क्या है? मेरे डैडी को तो है ना शादी की जरूरत। तो ठीक है, करने दो। अब तुम्हारा ये मुंह बनाने से या हर वक्त अपनी सेहत खराब करने से कुछ होगा तो नहीं। देखो अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही इस दुनिया में, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं तो हूं ना, मैं कैसे देखूंगी उसे अपनी माँ की जगह? तो बेटा कौन कह रहा है कि तुम उसे अपनी माँ की जगह दो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो तुम्हारी माँ तो रही नहीं, लेकिन हम सब तो है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अब्बा भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा चलो उठो, जाओ जाकर मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ, और मैं नाश्ता लगाती हूँ। रिदा और किरण भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, शाबाश मेरे बच्चा, उठ जाओ। शाबाश। अरे चाय लाओ रे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अरे रुस्तम का नंबर बन जा रहा है। उस्ताद कोई दूसरा नंबर है उसका क्या? एक ही नंबर है। उस्ताद हमको तो गड़बड़ लग रहा है यार। ना रुस्तम का नंबर बंद तो नहीं हूं। अरे उस्ताद कहीं लड़की देख के उसका दिमाग तो नहीं फिसल गया? अरे बकवास बंद कर, ऐसा नहीं कर सकता हो। अरे उस्ताद कोई अता पता है उसका? दो नंबर लोगों का कहां पता होता है क्या? अरे उस्ताद इसका मतलब है कि डॉक्टर ने घर से भी गया और हमारे हाथ से भी गया। हम नहीं होने देगा, हम उसको जमीन के अंदर से भी निकाल के ले आएगा। अरे उस्ताद हमको तो सारा गेम उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। अरे हम नहीं होने देगा। अरे गन हो गया जी, कब तोड़ दिया सारा? तो छोटा आओ साफ करो यार। अरे नौशीन घर नहीं आया अभी तक, हमने उसको फोन किया, फोन भी बंद जा रहा है। कॉलेज फोन किया, वो बोलता नौशीन तो आज आया ही नहीं। क्या तुम्हारे को मिला था क्या नौशीन? नहीं नहीं हमको नहीं मिला है। अपने बेटे के लिए किसी अच्छी फैमिली की लड़की का रिश्ता देख रहे हैं और मैं उनकी हेल्प करूं।
मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे मेरे बारे में बात की। ऑब्वियसली बेटा, और देखो ना वो बातों बातों में कई दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, तो यही कहना चाह रहे थे ना। थाने में रिपोर्ट करते हैं। अरे तुम समझदार होकर कैसी बातें करता है? अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दिया और वो घर वापस आ गया तो लोगों को क्या बोलेगा? तुमको मालूम है ना लोग कैसी कैसी बातें करता है। और अगर हम इस तरह बैठे रहे तो कुछ नहीं बोलेगा इलाके का लोग, थोड़े टाइम बाद आके खुद पूछेगा कहां है नौशीन, फिर तुम क्या बोलेगा? शाहिद है? हाँ शाहिद। हेलो फैसल, कहाँ हो तुम? हम क्लब में हूँ। अरे नौशीन घर नहीं आया अभी तक, हमने उसको फोन किया, फोन नहीं बन जा रहा है। कॉलेज फोन किया, वो बोलता नौशीन तो आज आया ही नहीं। क्या तुम्हारे को मिला था क्या नौशीन? नहीं नहीं, हमको नहीं मिला है, हमने नहीं देखा है। अरे हमारे समझ नहीं आ रहा, हम तो परेशान हो गए, किधर चला गया ये? मैं तेरे पास आ रहा है, तू घर पे ही है ना, मैं आ रहा है बस। अच्छा आओ आओ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। बेटा वो मैं इसलिए कह रहा था कि वो मेरे दोस्त है ना शहजाद अख्तर, लंदन वाले। हाँ हाँ, लंदन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहे हैं। मुझे ऐसी बातों बातों में कह रहे थे कि वो अपने बेटे के लिए किसी अच्छी फैमिली की लड़की का रिश्ता देख रहे हैं और मैं उनकी हेल्प करूँ। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे मेरे बारे में बात की। ऑब्वियसली बेटा, और देखो ना वो बातों बातों में कई दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, तो यही कहना चाह रहे थे ना। बाबा लेकिन अभी उन्हें बहुत जल्दी होगी, जाहिर है वो लंदन से आए हैं, जल्दी शादी करेंगे, वापस अपनी बहू को साथ ले जाना चाहेंगे, मुझे तो अभी वक्त चाहिए। हाँ हाँ बेटा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम उन्हें कहेंगे तो वो वेट कर लेंगे। शहजाद साहब बहुत अच्छे आदमी है और मैं समझता हूँ कि वो तुम्हें बिल्कुल बेटियों की तरह रखेंगे, बल्कि उससे ज्यादा इज्जत दे। बाबा प्लीज बाबा, ऐसा कहाँ होता है, शादी से पहले तो हर कोई यही बोलता है बाबा, और बाद में सबकी राय बदल जाती है, वही बेटी बाद में रिवायती बहू बन जाती है। और मुझे एक बात बताएं, आज तक आपने कहीं भी सुना है कि किसी ने ये ना बोला, बताएं? भाई बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत, ऐसे लोग वाकई बहुत अच्छे, तवक्को तो यही है। बाबा प्लीज लेट मी थिंक। वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है, कल ही तो हमने उसको देखा था। अरे हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, नौशीन ऐसा जानकर तो नहीं कर सकता। कॉलेज चले? अरे कॉलेज जाके क्या करेगा, हमने उसका दोस्त लोग को फोन किया, वो बोला नौशीन तो कॉलेज आया ही नहीं है, फिर उसका दोस्त लोग ने उसको फोन किया तो उसका नंबर बंद।
फिर एक काम करता है, ताने चलता है, वहां चल के रिपोर्ट कराता है। पन किसके खिलाफ? अरे गुमशुदगी का रिपोर्ट। हमारा ख्याल है कि हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुमने दिलावर को फोन किया? अरे नहीं, बताऊं क्या? ना करो, बोलो उसको, कॉल करो। हेलो दिलावर, अरे नौशीन घर नहीं आया यार, तू किधर है? हाँ कॉलेज गया ही नहीं था वो। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, आओ चलो हम अंदर तो बैठे। हाँ लेकिन ये टेंशन वाला बात है ना, आया नहीं नौशीन अभी तक। आप मुझसे नाराज हैं क्या? किस बात? वो मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया था उस बात पे। अरे नहीं बेटा, देखो मेरी दुनिया तो तुमसे शुरू होकर तुम ही पर खत्म होती है। मैं तो जिंदगी में तुम्हारी खुशी के लिए ख्वाब देखता हूँ। मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुमने तो सिर्फ शादी के लिए टाइम मांगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू किस बात का? यू आर माय लिटिल प्रिंसेस, तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है। अभी जो आप इतना प्यार, इतना एतमाद मुझे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो बेटा, माँ बाप का दिया हुआ एतमाद ही औलाद के लिए मजबूत इश्तेहार होता है और जिंदगी में उसकी कामयाबी की जमानत बनता है। तो इसका मतलब है कि आप मुझसे पक्का नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम चाहोगी और जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हारी शादी उसी से करो। Are you sure? Yes. Whoa, thank you. अरे 8 बज गए, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अरे हम और कर भी क्या सकता है? हम तो कहता है एक बार कॉलेज चल के जरूर देखना चाहिए। अरे वहां जाके क्या करेगा? दीवारों से पूछेगा कि वो कहां गया? हमने उसका कॉलेज का सारा दोस्तों से पूछ चुका है, उसने बोला आज कॉलेज आया ही नहीं है वो। थाने में रिपोर्ट करते हैं। अरे तुम समझदार होकर कैसी बातें करता है? अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दिया और वो घर वापस आ गया तो लोगों को क्या बोलेगा? तुमको मालूम है ना लोग कैसी कैसी बातें करता है। और अगर हम इस तरह बैठे रहे तो कुछ नहीं बोलेगा इलाके का लोग? थोड़े टाइम बाद आके खुद पूछेगा कहाँ है नौशीन, फिर तुम क्या बोलेगा? देखो फैसल बिल्कुल ठीक कह रहे, अभी मोहल्ले वालों का तो काम है बोलना, हर बात में मोहल्ले वालों से नहीं डरना चाहिए। अभी चलो चल के रिपोर्ट करवाते हैं। हम अगर रिपोर्ट किसके खिलाफ करेगा? अरे गुमशुदगी की, और किसके खिलाफ? तुम कैसी बातें कर रहे, क्या पुलिस उसको ढूंढ कर दे देगा हमको? कोई छोटा बच्चा थोड़ी है वो। अगर तुमको किसी पे शक है तो बताओ। शक तो है। अरे किस पे? तुम्हें नहीं पता? अगर कोई नौशीन को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो कौन है? नादिर भाई। लेकिन हम ऐसे कैसे उसका नाम दे दे? हाँ दिलावर सही कह रहे, पहले भी नादिर ने एक दो बार तंग किया था स्टाफ पर, और मैं उसकी अम्मा के पास भी गया था शिकायत लेकर, उसकी अम्मा भी गवाही देगी कि उसने ऐसा ही किया था। हाँ ये ठीक बोलता है। चल चलो आज। रुको रुको, हमारा ख्याल है हमें जाके पहले चाचा जब्बार से बात करना चाहिए, वो हमें कोई अच्छा मशवरा देगा। चल चलो ठीक बोल रहा है, आ जाओ आ जाओ। चल आ जाओ। अरे उस्ताद हमने पहले बोला था लोचा है, अब उसको कहाँ ढूंढेगा हम? एक जगह और, सुबह पता करेंगा। अरे उस्ताद सुबह तक तो उसको बहुत दूर लेके निकल जाएगा। अरे क्या बकवास कर, अरे ऐसा मत बोल, हमारा बीपी हाई हो जाता है,
वो नादिर वाला बात तो आपको पता है ना, वो बस स्टॉप पे उसको तंग कर रहा था, फिर हम उसकी अम्मा के पास गया था शिकायत देकर। हाँ, नादर का दिमाग में तुम तीनों के बारे में कसूर है, और तुम उन तीनों के बारे में कुछ सोच सकता है गलत। अरे हमने भी यही बोला है, लेकिन शायद मान ही नहीं रहे। हम कह कह के थक गए, चले उठो ताने चलते चल के रिपोर्ट लिखाते, लेकिन नहीं। किधर अड़े वो? अरे चाचा हमको नहीं मालूम वो कहाँ है। वो जो सारे लोग है ना, वो तैयार बैठे हैं ताने जाने के लिए। अब तेरा मर्जी, तो हमको बताएगा या ताने जाके बताएगा पुलिस वालों। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गया ना, तो ये लोग तेरे को जेल से बाहर निकलने नहीं देंगे। नौशीन बहुत अच्छा लड़की है, हमेशा सोच भी नहीं सकता है तो वो जानबूझ के ऐसी कोई बात करेगा। अरे चाचा हम उसका बहनों जैसा भाई है, हमसे कुछ छुपाता मुमाता नहीं है, हर बात बताता है हमको। यही तो हम सोच रहा है, जरूर गड़बड़ है कोई। अरे दादा वो नादिर वाला बात तो आपको पता है ना, वो बस स्टॉप पे उसको तंग कर रहा था, फिर हम उसकी अम्मा के पास गया था शिकायत देकर। हाँ, नादर का दिमाग में तुम तीनों के बारे में कसूर है, और तुम उन तीनों के बारे में कुछ सोच सकता है गलत। अरे हमने भी यही बोला है, लेकिन शायद मान ही नहीं रहे। हम कह कह के थक गए, चले उठो ताने चलते चल के रिपोर्ट लिखाते, लेकिन नहीं। अभी ऐसा क्या जल्दी, अभी अगर वो खुद आ गया जल्दी घर पे तो नादिर को क्या बोलेगा। ये बात भी ठीक है, इंतजार कर लेते फिर, क्या करे जी आ जाएगा। हमको पहले नादिर से बात करने दो, हम अपने तरीके से बात करेंगे उससे। अरे नहीं दादा, आप उधर नहीं जाएंगा। अगर उसने कुछ उल्टा मुल्टा बोल दिया फिर हमेशा नौबत नहीं आने देगा। हाँ तो मैं काम करो, इधर ही रुको, अपना माँ को बोले लोगों चाय पिलावे। अरे दादा अरे चाय के साथ पराठा मराठा भी बोल। अरे शाबू, अरे हम लोग का चटाइस बोल रहा है कि कोई तो गड़बड़, कुछ तो गलत हुआ है, वरना रुस्तम फोन जरूर करता। अजस्ताद हमने पहले बोला था लोचा है, अब उसको कहाँ ढूंढेगा हम। एक जगह और, सुबह पता करेंगे। अरे उस्ताद सुबह तक तो उसको बहुत दूर लेके निकल जाएगा। अरे क्या बकवास कर, अरे ऐसा मत बोल, हमारा बीपी हाई हो जाता है। देखो उस्ताद आजकल तुम ना सच्ची बात पे हमको बहुत गुस्सा करने लगे। अरे ये सच तो है ना, बहुत कोपनाक है, जिसको सोच के हमको कोप आता है। अरे छोड़ो उस्ताद, आगे का सोचो क्या करना है अब। पहले तो वही करते हैं जो सोचा होगा, ताला पत्ता फेंकते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अरे उस्ताद देखो इक्का आ रहा है, इक्का। अरे ये तो अपना तुरुप का पता है, आने दे, अभी देखिए हमारे लिए क्या करेंगे। सलाम चाचा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे चाचा किधर है तू, नजर ही नहीं आ रहा। बस बचा, घर पे होता है या थोड़ा देर स्कूल में। अरे चाचा तू होटल में भी नहीं आ रहा, सब खैरियत तो है ना। खैर नहीं है ना, तभी तो तेरे पास आया।
अरे क्या हुआ चाचा? तो जो समझ चुके होगा कि हम क्यों आए। अरे चाचा हमको क्या पता है, अरे तू कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। शायद गबेन अभी तक घर पे नहीं आया है। ये तो परेशानी वाला बात है चाचा। ये हमको लगता है तेरे को इस बात का मालूम है। अरे चाचा हमको क्या पता होएगा? क्यों शाबू? किधर अड़े हो? अरे चाचा हमको नहीं मालूम वो कहाँ है। एक बचा हमसे सीधा बात कर, वो जो सारे लोग हैं ना वो तैयार बैठे हैं ताने जाने के लिए। अब तेरा मर्जी, तू हमको बताएगा या ताने जाके बताएगा पुलिस वालों। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गया ना तो ये लोग तेरे को जेल से बाहर निकलने नहीं देंगे। और तेरे को ये भी नहीं मालूम है कि ये केस कितना बड़ा है। अच्छा चाचा तुझे पता है कितना बड़ा केस है? अभी तो तेरे को समझा रहा है अम्मा। तो ठीक है, जाके अपने पोते को डरा। जो तू समझ रहे ना वो हमने नहीं, तेरा पोते ने किया है। देखो बच्चा, इस तरह हमको चक्कर नहीं दियो। हमारे इस तरह इल्जाम लगाने से कोई यकीन नहीं करेगा। चाचा तुमको लगता है हम तुमको चक्कर दे रहे? हाँ। एक मिनट रुक चाचा, ये देख। अब देखो ये किसके साथ जा रहा है, हमारा साथ या तुम्हारा पोते के साथ? अब वो लेके गया था तो वही बताएगा ना कि किधर है। क्या दिखा रहा है तुम? अरे चाचा जो सच है वो ही दिखा रहे हैं। लेकिन हमको ये देखकर भी यकीन नहीं आ रहा है। हाँ तो चाचा अब तू जा और अपना पोते से पूछ के शायद को बता के वो कहाँ है। अब अगर तू नहीं बताएगा तो वो मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगा, तो अब पुलिस को ये वीडियो दिखा देगा। फिर नादिर भाई को नादिर भाई मान गया तुझे। लेकिन उसकी बहन मना कैसे करेगी? हमारे दिलावर में किसी चीज की कमी है? अरे हम सोच रहा है उसकी बहन के साथ और डॉक्टर लड़का भी पढ़ता होगा ना, वो उनमें से किसी से शादी करना चाहता हो। फिर पढ़ता होगा लेकिन सब मछेरे का बेटा नहीं होगा कि मछेरे की बेटी से शादी करे। डॉक्टर नहीं बन रही है लेकिन है तो हमारी जैसी। हाँ ये तो तुम सही बोल रहे हो। क्या बोले वो? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या बोले वो? तो बोलता है कि फैसल को पता है कि नौशीन किधर है। क्या हमको पता है? आपने कुछ बोला भी नहीं उसको। हमने आपसे कहा भी था वो बकवास करेगा, आप उसके पास नहीं जाओ। हमको लगता है कि तू हमसे बकवास कर रहा है। दिलावर ने शाहिद को बोला कि हमको बोले कि शादी का वादा भी नहीं करे।
है? तो फिर शाहिद ने क्या बोला? शाहिद का बोलने से पहले ही हमने शादी का बात कर दिया। अच्छा, तुझे इसके लहजे से क्या लगा? मना तो नहीं करेगा? अरे को बस थोड़ा हाँ थोड़ा ना लगा। उसने बोला बहन से पूछ कर बताएगा, उसको पढ़ाया है लिखाया है, उसका मर्जी भी जरूरी है। बोला तो सही है वो, लेकिन उसकी बहन मना कैसे करेगी? हमारे दिलावर में किसी चीज की कमी है? अरे हम सोच रहा है उसकी बहन के साथ और डॉक्टर लड़का भी पढ़ता होगा ना, वो उनमें से किसी से शादी करना चाहता हो फिर? पढ़ता होगा, लेकिन सब मछेरे का बेटा नहीं होगा कि मछेरे की बेटी से शादी करे। डॉक्टर नहीं बन रही है, लेकिन है तो हमारे जैसी। हाँ ये तो तुम सही बोल रहे, शायद तो हमारे जैसा आदमी है, गरीब आदमी है, फिर तो ना नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा। बस हमारा रिश्ता यही बनता है। ये तो तुम ठीक बोल रहे है। ये अभी तक दिलावर क्यों नहीं आया? हम देखता है कहाँ रह गया। जाओ जाओ, देखो हमारे लिए कुछ बनाओ चाय। माँ यार बनाता है। अरे ताजा गए हाँ, क्या बोला वो? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या बोला वो? तो बोलता है कि फैसल को पता है कि नौशीन किधर है। क्या हमको पता है? आपने कुछ बोला भी नहीं उसको। हमने आपसे कहा भी था वो बकवास करेगा, आप उसके पास नहीं जाओ। हमको लगता है कि तू हमसे बकवास कर रहा है। तेरे को पता है कि नौशीन किधर है? तेरे साथ बाइक पे बैठ के गया है वो। हमारे अभी ये नहीं बोलना कि तुम नहीं था वो, हमने तेरा वीडियो देखा है, तेरे साथ बैठ के गया है वो। हमसे झूठ बोलता है, तेरे को शर्म नहीं आता? दादा से झूठ बोलता है। दादा हमको अरे चुप कर। गायब का क्या मतलब? घर पर नहीं है वो। अरे अम्मा इसलिए तो हमसे पूछने आया था वो, फिर हम बता दिए उसको वो जिधर भी गया था। तुमको मालूम है वो किधर गया? हाँ ना अम्मा, हम अपनी आंखों से देखा हूं। तुम भी हम पे इल्जाम लगाता रहता ना, ये देखो। हमको नहीं लगता कि उसका कोई कसूर है, ये जरूर कोई साजिश है। अरे दिल तो हमारा भी नहीं मानता, लेकिन तो लेकिन क्या? अरे तुम कभी क्यों नहीं गए स्टाफ पर जब नौशीन का जाने का वक्त होता है? ये सारा टाइम का इत्तेफाक पैतल के वक्त ही क्यों होता है? हमने खुद उसका वीडियो देखा है, वो लड़की पीछे उसके बैठ रहा है, बात कर रहा है, तो इसमें साजिश का तो कोई बात नहीं है ना किसी का, उसका मर्जी है उसमें। फिर भी हमारा दिल नहीं मानता है। तो तुमको भी ऐसा लगता है ये सब हमने किया है? नहीं, लेकिन नादिर ने दादा को खुद वो वीडियो दिखाया है उसमें। अरे वो सब झूठे फरेब है, साजिश है हमारे खिलाफ। हाँ लेकिन साजिश में भी वीडियो तभी बन सकती है जब नौशीन तेरे साथ जाएगी। अरे कैरियत नहीं है वो लड़की है ना नौशीन, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है आज। अब इतना बड़ा लड़की गुम तो हो नहीं सकता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, जिधर भी गया होगा ना अपनी मर्जी से गया होगा। का मतलब है कि लड़का वड़का से कोई चक्कर है, कोई टिकाना है उसका। अरे अभी कैसे पता चलेगा किसका साजिश है? हम तो कहते हैं नादिर के पास चलते हैं, उससे पहले वीडियो निकलवाता है। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है।
अरे जाकर दिखाओ उसको, उसको बोलो खुदा के लिए बताए हमारा बहन किधर है, ये लो उसको बोलो जाके। दादा आपने हम पे शक किया, आपको अपने तरबियत पे यकीन नहीं है? औरत का मामला है, इसमें बड़ा बड़ा चूक जाता है, सारा तालीम सारा तरबियत धरा का धरा रह जाता है, शैतान जज्बात पे हमला करता है और जज्बात दिमाग पे हमला करता है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, लारी से किवाड़ी, लारी से किवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लारी से किवाड़ी, लारी से किवाड़ी, दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना को